जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बी एच यू बी एस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ इसके पहले मैंने और भी टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखे हैं यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है आप उस लिंक पर क्लिक करके बाकी सभी टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया ये अच्छा लगा और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करता रहूं और यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई टेस्ट सीरीज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट तो करें अपने हैं। पहले क्वेश्चन की ओर विच प्लांट ग्रुप इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम तो आपको बताना है कि पौधों का कौन सा समूह है जिसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है तो राइट right आंसर है ऑप्शन सी ब्रायोफाइट क्योंकि जो ब्रायोफाइट होते हैं वे जनरली आपके टेरिस्ट्रियल होते हैं बट इनमें जब रिप्रोडक्शन होने वाला होता है तो उस समय वाटर की ज़रूरत होती है तो इसलिए इन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्वेश्चन नंबर टू है द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज तो जो ब्रायोफाइट होते हैं उनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है स्पोरोफाइट होता है या फिर गैमिटो होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका गैमिटो होता है तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच इज इनकरेक्ट फॉर ब्रायोफाइट्स तो ब्रायोफाइट्स के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है तो फर्स्ट ऑप्शन है वस्कुलर टिश्यू अपसेंट तो ये सही है कि इनमें वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है सेकेंड है राइजॉयट्स आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ ट्रू रूट्स ये भी सही है सेक्स ऑर्गन्स आर जैकेटेड तो इनके जो सेक्स आर्गेंस होते हैं वो कवर्ड होते हैं ये भी सही है लास्ट है डिफ्रेंशिएटेड इन टू रूट स्टेम एंड लीफ ये रॉन्ग है क्योंकि हम सभी जानते हैं जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो थैलोफाइटा में रखे गए हैं और थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट आते हैं जिसमें कि ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फोर है ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कार्ड कैलिपेट्रा इज फॉर्म बाई तो एक जो लेयर होती है कवरिंग होती है कैलिपेट्रा वो किससे बनता है तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वेंटर वॉल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फाइव है इन ब्रायोफाइट्स द जायगोट गिव राइज टू स्पोरोफाइट तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें स्पोरोफाइट का निर्माण जायगोट के थ्रू होता है तो कब होता है विदाउट एनी रेस्टिंग पीरियड तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है क्योंकि इसमें कोई भी रेस्टिंग पीरियड नहीं होता वो डायरेक्ट क्या कहते हैं जायगोट स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कहता है क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रायोफाइट्स तो आपको इसमें से बताना है कोई ब्रायोफाइट्स नहीं है तो है टेरिस जो कि एक टेरडो है क्वेश्चन नंबर सेवन है आर्ची गोनियोफोर इज प्रजेंट इन तो किस में आर्चिगोनियो फोर पाया जाता है तो राइट right आंसर है ऑप्शन ए फ्यूनेरिया क्योंकि फ्यूनेरिया में जो आपके आर्चिगोनिया होती है एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है तो उसे हम बोलते हैं आर्चिगोनियो फोर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर एट है इन फ्यूनेरिया स्पोर आर डिस्प्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ तो फ्यूनेरिया में जो स्पोर का डिस्पर्जन होता है किसकी एक्टिविटी के थ्रू होता है तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कैप्सूल तो आपने अगर पढ़ा होगा फ्यूनरिया तो उसमें कैप्सूल पाया जाता है और उसी के अंदर स्पोर होते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इन करेक्ट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ब्रायोफाइट्स के अकॉर्डिंग गलत है तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए जायगोट अंडरगोज म्योसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट तो इनमें जायगोट में जब मियोसिस होता है तो उसके थ्रू बनता है आपका गैमिटो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टेन है ब्रायोफाइट्स हैव प्रोबेबली इवोल्ड फ्रॉम तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका इवोल्यूशन किससे हुआ है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीन एलगी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर एलेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है तो फर्स्ट ऑप्शन ए दे आर थैलाइट्स ये भी सही है बी दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट ये भी सही है सी दे प्रोसेस आचेगोनिया ये भी सही है तो मतलब सभी स्टेटमेंट सही है तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है वेबिलिटी ऑफ ब्रायोफाइट स्पोर अप टू तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ब्रायोफाइट्स के स्पोर होते हैं वो कितने दिनों तक जीवित रहते हैं तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी एट टू फिफ्टीन ईयर क्वेश्चन नंबर थर्टीन है नंबर ऑफ पेरिस्टोमल तिथ इन मॉस इज़ तो जो मॉस होता है उसमें जो पेरिस्टोमल तिथ होता है वो कितना होता है तो सोलह होते हैं और लेकिन दो रो में होते हैं तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की ओर चलते हैं क्लोरिन कायमा इज़ नोन टू डेवलप इन तो क्लोरिन कायमा का निर्माण किस में होता है तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्पोर कैप्सूल ऑफ ए मॉस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है प्रोटोनिमा इज द जुवेनाइल फिलामेंटस इस्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ तो जो प्रोटोनिमा होते हैं किसके लाइफ साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं जुवेनाइल स्टेज में मतलब कि तरुण अवस्था में तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्यूनेरिया तो फ्यूनेरिया में ही प्रोटोनीमा जुवेनाइल फिलामेंट्स के फॉर्म में लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है ओनली एक्वेटिक स्पीसीज ब्रायोफाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिक्सिया फ्लूटेंस तो याद रखिएगा पूरा नाम याद रखिएगा रिक्सिया फ्लूटेंस क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है विच वन इज ऑल्सो नोन एज कॉमन मास और ग्रीन मास और कॉर्ड तो इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट है जिसे हम कॉमन मास या फिर ग्रीन मास या कॉर्ड मॉस के नाम से जानते हैं तो राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्यूनेरिया तो फ्यूनेरिया को कॉमन मास ग्रीन मास या कॉर्ड मॉस भी कहा जाता है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर एटीन है बिस्कुट सेप्ड स्मॉल ग्रीन स्टार्ग स्ट्रक्चर गैमा कप्स आर फाउंड इन तो आपको बताना है कि स्मॉल जो स्टार्ग गैमा कप होते किसमें पाए जाते हैं तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्केशिया क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन है हु इज़ फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी तो राइट आंसर है ऑप्शन सी एस आर कश्यप एस आर कश्यप आर नोन एज फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स इज ऑफ तो ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है तो इसके पहले आपने एलगी में पढ़ा है कि उनमें आइसोग एन आइसोग और ओ गैमस तीनों टाइप के होते हैं बट आपके ब्रायोफाइट्स में केवल ऊ गैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है तो राइट right आंसर है ऑप्शन सी ऊ गमस टाइप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है पीट मॉस इज़ रिलेटेड टू तो यदि बात करें इस क्वेश्चन की तो जो पीट मॉस है इस फेगनम को ही कहते हैं और इस फेगनम का एक और नाम है जिसे हम बॉग मॉस कहते हैं तो इस फेगनम दो नामों से जाना जाता है एक पीट मॉस और दूसरा है बॉग मॉस तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बॉग मॉस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है फ्यूनेरिया गैमिटोफाइट इज तो आपको बताना है कि फ्यूनेरिया का गैमिटोफाइट कैसा होता है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मोनोसियस एंड ऑटोसियस तो इसका मतलब क्या है कि जो मेल और फीमेल होंगे एक ही प्लांट पर होंगे बट अलग अलग तनों पर होंगे जब अलग अलग तनों पर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑटोसियस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है इन्फ्यूनेरिया कैलिपेट्रा इज़ डिराइव फ्रॉम तो फ्यूनेरिया में जो कैलीपेट्रा होता है किससे बनता है तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी आरचे गोनियम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है इन्फ्यूनेरिया प्लांट स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन तो फ्यूनेरिया के पौधे में रंध्र कहाँ पर उपस्थित होते हैं तो आपके दिमाग में चल रहा होगा लीफ पे लेकिन थैलोफाइट्स है तो इसमें लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर नहीं होंगे पाया जाता है कैप्सूल पे तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कैप्सूल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है इन फ्यूनेरिया द दैप्लाइड स्ट्रक्चर इज तो मैंने बताया था जो मेन प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट्स के वो हैप्लाइड होते हैं तो जो कॉलोमिला है कैप्सूल है सीटा है ये स्पोरोफाइट है तो जो प्रोटोनिमा है ये हैप्लाइड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि जो प्रोटोनिमा होती है वो इनके मेन प्लांट में पाई जाती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है द ओनली पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्वेटिक एंसेस्टर ऑफ ब्रायोफाइट इज तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो हुआ है एक्वेटिक एंसेस्टर से जली पौधों से इसके लिए कोई आपको एविडेंस बताना तो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी सिलियेटेड स्पर्म तो ये जो एविडेंस है ये प्रूफ करता है कि जो ब्रायोफाइट्स है वो एक्वेटिक एंसेस्टर से प्रोड्यूस हुए हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है ब्रायाफाइट्स आर नोन एज एम्फीवियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज तो इन्हें एम्फीवियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है तो मैंने पीछे भी बताया था इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है मॉसेस आर इंडिकेटर ऑफ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एयर पोल्यूशन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है ओनली कैप्सूल इज प्रजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ तो किसके स्पोरोट में केवल कैप्सूल उपस्थित होता है तो राइट right आंसर है ऑप्शन ए रिक्सिया क्वेश्चन नंबर थर्टी है इलेटर्स आर प्रजेंट इन कैप्सूल ऑफ तो किसके कैप्सूल में इलेटर्स पाया जाता है तो फ्यूनेरिया में कैप्सूल में जो होता है इलेटर्स नहीं होते एंथोसिरास में सीडो इलेटर्स होते हैं और रिक्सिया में भी इलेटर्स नहीं होते तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्किसिया तो इलेटस होते क्या है ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं और ये स्पोर के डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है प्रेजेंस ऑफ पायरनाइड्स विच इज एल्गल कैरेक्टर इज सोन बाई विच ब्रायोफाइट तो जो पैरोनॉइड्स है वो जनरली एल्गल कैरेक्टर है पैरोनॉइड्स क्या होता है मैं बता देता हूँ जब प्रोटीन स्टार्च के थ्रू घिरा होता है तो उसको हम बोलते हैं पैरोनॉइड्स और ये हॉनोअर्थ अर्थात एंथोसिरास में पाया जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है ब्रायोफाइट्स आर तो इसमें पूछा हुआ है कि कैसे इनके स्पोर होते हैं तो होमोस्पोरस होते हैं यानी कि इनके जो स्पोर होते हैं वो एक समान होते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है ब्रायोफाइट्स डू नॉट ऑकर इन तो ब्रायोफाइट्स कहाँ नहीं पाए जाते है? तो आपका जो राइट right आंसर है ऑप्शन सी सी ये समुद्रों में नहीं पाए जाते क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स इज ड्यू टू प्रोग्रेसिव ऑफ स्पोरोजिनस टिशू तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है और बताना है ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट में किस तरह से इस्पोरजिनस टिशू का एवोल्यूशन हुआ है तो आपका जो राइट right आंसर है ऑप्शन ए ड्यू टू इंक्रीज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है राइजाइड ऑफ फ्यूनेरिया आर तो जो फ्यूनेरिया के राइजाइड होते हैं वो कैसे होते हैं आपको ये बताना है तो आपका जो राइट right आंसर है ऑप्शन सी मल्टी सेलुलर ब्रांच विथ ऑब्लिक्यू सेप्टा तो आपका स्कोर कार्ड कितना रहा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने क्वेश्चन गलत हुए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में से अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट पा सकें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए तो आज के लिए बस इतना ही जय हिंद जय भारत